कार्य करना और आराम करना जीवन के दो मुख्य अंग हैं। इसमें संतुलन स्थापित करने के लिए अपनी योग्यता का उपयोग करना चाहिए। काम क्रोध जैसे रजोगुण की लहरें पाप कर्म कराती हैं। मनुष्य इंद्रियों को बस में रखकर पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो सकता है। मनुष्य को कर्तव्य कर्म और निषिद्ध कर्म का पता होना चाहिए। कर्तव्य कर्म ऊर्जा देते हैं, निषिद्ध कर्म हमें गलत राह पर ले जाते हैं। हमारे मन में हमेशा यह विचार आता जाता रहता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत है। जिंदगी का बोझ कभी खोखला नहीं करता, पर खोखला करता है तनाव और चिंता, जो दीमक की तरह आपको खाता जाता है। अच्छी आदतों की जिद करो, बुरी आदतें आसानी से जिंदगी में आ जाती हैं, पर जिंदगी को मुश्किल में डाल देती हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी विद्या है, जो कोई छीन नहीं सकता। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आपका ज्ञान, आपका हुनर, आपका कौशल आपको इज्जत दिलाएगा। योग और भक्ति के पथ पर चलने वाला अगर इस जन्म में पूर्ण सिद्धि नहीं पाता है और योग भ्रष्ट हो जाता है, तो अगले जन्म में उसकी तपस्या का क्रम वहीं से शुरू होता है जहां उसने यात्रा छोड़ी थी। भगवान उसे वहीं से पकड़कर आगे लेकर चलता है। अपना पीछा कैसे छुड़ाओगे, मानो या ना मानो, ईश्वर के साथ भी हमारा नाता ऐसा ही है। जो व्यक्ति सुख के पीछे भागता है, उसे ज्ञान नहीं मिलेगा, तथा जिसे ज्ञान प्राप्त करना है, वह व्यक्ति सुख का त्याग करता है। पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। फिर भी लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। कमाए हुए धन का त्याग करने से ही उसका रक्षण होता है, जैसे नदी का पानी बहते रहने से ही साफ रहता है। मन संसार की धूल गंदगी से मैला होता रहता है, नित्य सत्कर्म के जल से उसे धोता रहना चाहिए। थोड़ी मस्ती, थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ, ये क्या कम है। मैं अपनी पहचान बचा पाया हूँ। कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकी महकी यादें, जीने का मैं इतना ही सामान बचा पाया हूँ। इसकी कीमत क्या समझेंगे ये सब दुनिया वाले, अपने भीतर में जो एक इंसान बचा पाया हूँ। सभी दोस्तों को राधे राधे, सुप्रभात, नमस्कार। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही सुविचार लाते रहेंगे। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।